नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई गोल्ड के बारे में। जी हाँ भाई, गोल्ड का आपको पता है भाई, सबसे ज्यादा लोग दुबई से गोल्ड को खरीद के लेके आते हैं। आप पता नहीं क्यों, रीजन तो पता ही है भाई, सीधा सीधा है कि वहाँ सस्ता मिल जाता है, इंडिया में थोड़ा टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, उस चक्कर में लोग लालच में आ जाते हैं। कुछ लोग तस्करी भी करते हैं, जी हाँ, उनका प्रोफेशन बन जाता है, वो तस्करी करते हैं अलग अलग तरीके से। जी एक जयपुर में, आप साथ में फोटो मैं ऐड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बंदा पकड़ा गया जो दुबई से आ रहा था दिल्ली, 1 करोड़ रुपये का गोल्ड। आप सोचिए कि 1 करोड़ रुपये गोल्ड कितना होता है भाई, लगभग 2 किलो का गोल्ड को पहले खरीदा है, फिर उसकी चेन बनवाई गई है। कहाँ पे? दुबई में। जी हाँ, चेन बनवा के और जो बेल्ट था उसके ऊपर उसको लपेट के और पूरा गोल्डन बेल्ट करके बांध के बंदा एयरपोर्ट पे पहुंच गया। अब यार ये तो एक सिंपल सा तरीका है कि बेल्ट को गोल्ड की चेन है वो लपेट के लेके आ रहा है, तो सीधा सीधा दिख रहा है, तो भाई वो बंदा पकड़ा गया, उन्हें नजर आ गया। जी कस्टम डिपार्टमेंट जो अधिकारी होते हैं उनकी नज़र में 2 किलो का गोल्ड। आप साथ में इमेज देख सकते हैं कि ये बंदा किस तरह से बेल्ट को खोल के और चेन है वो धीरे धीरे निकाल के उनको दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना 2 किलो गोल्ड पकड़ा गया 1 करोड़ रुपए का। अब भाई क्या होगा, सीधा है कि मुकदमा तो लगना है, 20 लाख रुपए से ऊपर गोल्ड होता है मुकदमा लगता है, जो गोल्ड जब्त कर लेते हैं उसको सजा हो जाती है, FIR दर्ज हो जाती है और उसको कोर्ट में पेश कर दिया जाता है, फिर वो जमानत करवाओ। अब बंदा मान लो राजस्थान का हो या फिर कहीं दूसरे स्टेट का हो, अब मुकदमा तो उसको वहां लगेगा, अब वो चक्कर काटते रहो, समझ गए बात को, अब कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये एक सोचने की बात है, ऐसा क्यों हो रहा है। गोल्ड अगर आप लेके वहां आपने खरीद लिया, अगर आप बिस्किट लेके आते हैं तो भी मान लेते हैं, गोल्ड को खरीदा फिर उसकी चेन बनवाई 2 किलो की, चेन बनवा के यहां लाए, अब यहां पे जिसको बेचेंगे, समझ रहे हैं, उसको बेचेंगे वो चेन, तो कोई टुकड़े तो काट के किसी को बेचा नहीं, वो भी उसको फिर पिघलाएगा, फिर तरीके से उसको डालेगा, कहने का मतलब वो तो महंगा पड़ जाता है। तो पता नहीं फिर भी लोगों की सोच है भाई किस तरह से लोग लेके आते हैं। अगर दूसरे में देखें दुबई में, जी हाँ, अमृतसर की अगर बात करें तो दुबई में अपनी जो ट्रॉली बैग नहीं होती है उसके अंदर, यहाँ ट्रॉली बैग के अंदर जो छेद करके उसको गोल्ड को एकदम तार जैसा, ट्रॉली बैग के ऊपर तार टाइप का होता है, आपको पता है चौकोर टाइप का, उसको निकाल के उसकी जगह तार बना दिया, तार बना के उसको रोडियम से ऊपर कवर कर देते हैं ताकि पता नहीं लगे कि रियल में तार है या फिर ये गोल्ड है। जी हाँ, उसको अंदर डाल के 12 लाख रुपए का गोल्ड लेके आ रहा था कस्टम डिपार्टमेंट में, आप फोटो देख सकते हैं, साथ में अटैची को फाड़ डाला तो फाड़ा तो वो निकले। जी हाँ, ये सब स्कैनिंग की वजह से होता है, स्कैन कर लेते हैं, कितना भी आप अपना दिमाग लगा के लेके आओ कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे। पिछले 28 दिसंबर को एक महिला पकड़ी गई थी राजस्थान जयपुर एयरपोर्ट पे, आप सबको पता होगा, बाकायदा न्यूज पर आई थी। जी हाँ, अगर आगे अगर बात करें दूसरे तीसरे चौथे नंबर, बेंगलुरु में, जी हाँ, 24 बिस्कुट पकड़े गए हैं। 24 बिस्कुट कम नहीं होते भाई, किसी तरीके से बंदा लेके आया, फ्लाइट में सीट के नीचे डाले, 101 करोड़ 37 लाख रुपए के 24 बिस्कुट गिरफ्तार किए गए हैं। जी हाँ, बंदे को पकड़ लिया, एक्सरे मशीन में सब आता है। अब आप इतनी ईमानदारी से लेके आते हैं तो भाई एक्सरे मशीन में चेक तो होगा, आप चेक कहीं से भी डाल लो, किस में भी डाल लो, लोहे का जैसे प्रेस हो गई, अलग अलग आइटम होते हैं उसके अंदर डाल लो तो भी वो स्कैनिंग में आ जाता है, शक हो जाता है, उनको तो गिरफ्तार कर लेते हैं, मुकदमा लग जाता है भाई। तो आपको अगर कोई लालच दे तो आपको बचना है इन चीज़ों से। अगर आपको गोल्ड लेके आना है आप, तो भाई ईमानदारी से टैक्स दे के लेके आओ या फिर भाई इंडिया में खरीद लो ताकि इंडिया का पैसा इंडिया में तो रहे, समझ गए। तो ये कुछ अपडेट देने थे 3 से 4, अभी लेटेस्ट 10 दिन के न्यूज़ है ये, 10 दिन के अंदर अलग अलग जगह पे ये लोग पकड़े गए हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।